सिल्वर स्क्रीन पर लव ट्रायंगल की कहानी सालों पुरानी है। फिल्म की स्टोरी में लव ट्रायंगल का रिजल्ट डायरेक्टरों के हाथ में रहता है। जैसे दिल तो पागल है, जुदाई, देवदास, बाजीराव मस्तानी, ऐसे कुछ फिल्में हैं जिनमें लव ट्रायंगल दिखाया गया है। लेकिन लव ट्रायंगल रियल लाइफ में आ जाए तो बात पूरी तरह बदल जाती है। बी टाउन के कुछ स्टार्स के रियल लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ के लव ट्रायंगल ने काफी दर्द दिया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही चर्चित लव ट्रायंगल के बारे में। सलमान खान, ऐश्वर्या, विवेक ओबेरॉय। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक ऐश्वर्या, जिनका जलवा बॉलीवुड में आज भी कायम है। बच्चन परिवार की बहू बनने से पहले ऐश्वर्या अपने अफेयर्स को लेकर गॉसिप का हिस्सा बनती थी। सलमान खान और ऐश का रिलेशनशिप काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से इनके लव स्टोरी शुरू हुई थी, लेकिन सलमान के रवैये और कथित मारपीट की वजह से ये रिश्ता टूट गया। फिर ऐश की जिंदगी में विवेक की एंट्री हुई, हालांकि ये प्यार भी परवान नहीं चढ़ा। बाद में उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर ली। कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड में सबसे हॉट कपल के तौर पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की चर्चा होती थी। इन दोनों सेलेब्स ने एक ही साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये दोनों एक मेकअप आर्टिस्ट के जरिए मिले थे और फिर दोनों को प्यार हो गया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। कैटरीना के नजदीक आने की वजह से दोनों में खटास हो गई और वो दोनों अलग हो गए। यही नहीं, रणबीर ने तो खुद ये बात कबूली है कि उन्होंने दीपिका को धोखा दिया है। फिलहाल दीपिका अभी रणबीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं रणबीर कपूर का नाम माहिरा खान के साथ जोड़ा जा रहा है। शाहिद कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान। शाहिद कपूर और करीना कपूर बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल माने जाते थे। दोनों दोस्त थे और बाद में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। इनके प्रेम की अतरंग तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हालांकि इनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। टशन फिल्म के दौरान करीना की नजदीकी सैफ अली खान से बढ़ गई और फिर शाहिद से ब्रेकअप के बाद करीना ने सैफ के साथ शादी कर ली, जिसके बाद शाहिद ने भी मीरा राजपूत संग शादी कर घर बसा लिया। हरमन बवेजा, प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर। बॉलीवुड में एक समय प्रियंका, हरमन और शाहिद का भी लव ट्रायंगल बना था। प्रियंका और हरमन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लव स्टोरी 2050 के दौरान उनके रिश्ते में दरार आ गई। इसके बाद शाहिद के साथ कमीने की शूटिंग में प्रियंका को फिर से प्यार हो गया। दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं भी होने लगी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। रेखा, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी। रेखा और अमिताभ बच्चन का प्यार दो अनजाने के सेट से हुआ था। रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें अखबारों और मैगजीन्स में छपना शुरू हो चुकी थी। हालांकि अमिताभ ने कभी भी खुले तौर पर रेखा के साथ किसी भी तरह के रिश्ते की बात को कबूल नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी ऋषि कपूर और नीतू की शादी में। असल में रेखा शादी में अपनी मांग में सिंदूर भर कर आई थी। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। लेकिन आज भी अमिताभ और रेखा का नाम एक साथ आता है तो हंगामा हो जाता है। श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली। श्रीदेवी और मिथुन के प्रेम का किस्सा भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप थी। खबरें तो यहाँ तक थी कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। जिस वक्त श्रीदेवी के साथ मिथुन का नाम जोड़ा गया, वो शादीशुदा थे। श्रीदेवी को लगा कि मिथुन अपनी पत्नी योगिता बाली को नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। बाद में श्रीदेवी का नाम कुछ और अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन फिर बोनी कपूर से अफेयर के बाद उन्होंने शादी कर ली। शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट से अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के बीच रोमांस शुरू हो गया था, जिसके बाद फिल्म धड़कन में दोनों ने साथ में काम किया। उस समय खबरें आ रही थी कि अक्षय और शिल्पा शादी करने वाले हैं, लेकिन अचानक से इनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। लेकिन धड़कन की शूटिंग के दौरान अक्षय का दिल शिल्पा को छोड़कर उनकी खास दोस्त ट्विंकल के लिए धड़कने लगा। साल 2000 में शिल्पा और अक्षय का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद अक्षय ने ट्विंकल से शादी कर ली।
एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।